वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास 10th का। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग देखे थे, किसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कितने टाइप्स का होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। तो हम लोग पढ़े थे कि इक्वेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है कंसिस्टेंस और दूसरा क्या होता है इनकंसिस्टेंस। ठीक है, कंसिस्टेंस का क्या पढ़े थे, दो पार्ट होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। और इनकंसिस्टेंस का एक पार्ट होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, जहां पर होता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देखे थे, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या कर रहा था, किसी एक पॉइंट पर कट कर रहा था, और मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता, कोइंसाइड कर रहा था, यानी कोइंसिडेंट हो रहा था, कोइंसाइड हो रहा था, एक पर दूसरा लाइन आ जा रहा था, दूसरा इक्वेशन एक ही पहले इक्वेशन पर आ जा रहा था। और तीसरा देखे थे इनकंसिस्टेंट का, जो हम लोग नो सॉल्यूशन देखे थे उसमें देखे थे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल चला जा रहा था। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था चैप्टर 3A में, हम लोग क्वेश्चन आई होप 10 तक हो गया होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। क्या बोलने बोल रहा है, कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है। वैसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, दो इक्वेशन दिया होगा ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। ग्राफिकली ड्रॉ करने पर एक क्या होता है, ट्राइंगल फॉर्म होता है। अगर ट्राइंगल फॉर्म होता है तो उसका एक्स एक्सिस पर वर्टिसेस फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम लोग 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, 2x-3y+4=0। 2x-3y+4=0। दूसरा इक्वेशन है x+2y-5। x+2y-5=0। ग्राफिकली हम लोग ड्रॉ करना और x और y का पॉइंट निकालना x एक्सिस में। तो आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करते, पहले इक्वेशन क्या सॉल्व होगा, 2x=2। इसको उठा के ले जाएगा इक्वल टू इधर, फोर क्या आएगा लगा हुआ प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, हाँ 3-3y लगा उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3y। तो 3y-4 x=2, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड की फॉर्म चला जाएगा। अपने मन से हमको क्या लेना है, y का वैल्यू लेना है और x अपने आप चलाएगा। अगर हम लोग y का वैल्यू लेते हैं, अगर y की जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, x क्या आता है, y की जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, क्या आ जाएगा -2। ठीक है, 3 0 0 तो 0 -4 क्या बचेगा, -4/2 तो क्या आएगा -2। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या ले, 2 ले ले। चलो x की जगह पर हम 2 रखते हैं, y की जगह 3 × 2 -4/2 क्या हो जाएगा, 6 - 4/2 2/2। राइट आंसर क्या चलाएगा, 1। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन क्या है, x=5-2y। एक्स की जगह पर क्या रखे, -1 रखे, वाई की जगह पर -1 रखे तो क्या हो जाएगा, x=5-2×-1। अगर -1 रखते तो वैल्यू चला जाता, +1 रखते +1, y की जगह पर क्या रखे 1, तो x क्या हो जाएगा 5-2 3।
x की जगह पर 2 y की जगह पर 2 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा 5 - 2 × 2 5 - 4 x चला आया 1 x हो गया 1 ठीक है तो दो हम लोग इक्वेशन हम लोग निकाल लिए x और y का वैल्यू दो मिनिमम होता है दो काफी है दो हम लोग निकाल लिए अब कैसे निकल लिए अब इसको क्या करें हम लोग ग्राफ पर ड्रा कर देते हैं और देखते हैं कि x एक्सिस पे x एक्सिस को कहां किस पॉइंट पर काटा और उसका कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है ठीक है पहले तो हम लोग क्या करेंगे इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे ये क्या होता है ओरिजिन मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया है 3 तक गया है हम लोग 5 ले लेते 1 2 3 4 5 6 तक ले सकते कोई दिक्कत नहीं 1 2 3 4 5 पहले x एक्सिस देखते तब y एक्सिस देखते ये पॉइंट रखना है ध्यान में x वैल्यू कितना है -2 y = 0 तो x -2 x -2 और y = 0 y ढूंढो y कहां पर 0 होगा y ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 नीचे आएगा तो -1 -2 कहां पर मिलेगा इसी पर ना 0 मिल रहा है तो पहला पॉइंट क्या मिला हम लोगों को -2, 0 पहला पॉइंट मिला -2, 0 हां क्या x वैल्यू 1 x x वैल्यू 1 y = 2 x = 1 और y = 2 यहां से हाथ नहीं हटाओ यहीं पर रखो और y को सीधा ढूंढते हुए निकलो तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा x = 1 y = 2 इन दोनों को पॉइंट को लेते हुए एक लाइन ड्रा करना और लाइन क्या आता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पहला इक्वेशन हो गया यानी पहला जो है हम इक्वेशन भी डाल सकते हैं इस पर यानी 2x - 3y + 4 ये उसका लाइन ऑफ इक्वेशन हो गया उसका ग्राफ हो गया दूसरा इक्वेशन क्या होगा x का वैल्यू 3 y = क्या 1 x = 3 x = 3 y = 1 3, 1 नेक्स्ट x = 1 y = 2 x = 1 y = 2 तो यहीं पर आके दूसरा पॉइंट भी दूसरा पॉइंट यही बनाएंगे अभी दोनों को लेते हुए दोनों पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ कर दो ग्राफ पेपर में क्लियर दिख जाए ठीक है ये क्या करते हैं लोग लाइन ड्रॉ कर दी और लोग मेंशन कर देते हैं ए बी सी अब हम लोग हम निकालने क्या बोला था एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस से पर जहां पर कट किया वो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो यहां पर एक्स एक्सिस कहां पर कट किया -2 और y वैल्यू कितना 0 यहां एक एक्सिस b कहां पर कट किया ये लगता 4.5 ग्राफ पे पता है तो क्लियर दिख जाएगा कहां पर कट किया तो यहां इसके हिसाब से क्या आ रहा है 4.5 या 4 भी आ सकता है ये ग्राफ पे पर हम लोग का है नहीं इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसके हिसाब से b का पॉइंट क्या हो जाएगा 4.5 और y = क्या हो जाएगा y = बोलो कितना हो जाएगा 0 होगा ना x = 4.5 y = 0 y का वैल्यू यहां पर क्या होता है हमेशा याद रखो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा अच्छा ये कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं लेकिन पूछ क्या रहा है सिर्फ ए और बी का यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा ए का कोऑर्डिनेट बोलो 1, 2 बी का कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर में क्लियर दिखेगा यहां पर मिस्टेक हो भी सकता है आगे भी पहुंच सकता है पीछे भी रुक सकता है इसके हिसाब से हम लोग मान ले रहे हैं अप्रॉक्स मान ले रहे हैं कि 4.5 पर कटा होगा तो बोलो 4.5 और y = 0 c का कोऑर्डिनेट कहां पर कटा है -2, 0 ये निकालने बोल रहा था ठीक है अब किसी क्वेश्चन में क्या निकालने बोल देता है इसका एरिया निकालने बोल देता है तो एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में मेंशन रहेगा x एक्सिस की y एक्सिस पर एरिया निकालना है तो ये क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा इस पर परपेंडिकुलर
ना करते हैं वो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 4.5, सी का वैल्यू -2.0। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 देखते हैं। ठीक है, 15 ये ओल्ड बुक है। ठीक है ना, क्वेश्चन वैल्यू चेंज भी है ओल्ड बुक में, थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज किया, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज किया सारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है x-2y + 2 = 0। दूसरा इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन में एरिया भी निकालने बोल रहा था, सॉरी क्या क्वेश्चन छूट गया, इस वाले क्वेश्चन में एरिया भी निकालने बोल रहा था। यहाँ हम लोग एरिया देख रहे थे कैसे एरिया निकलता है, सेम उस क्वेश्चन में एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए पहला सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 2y - 2, x y की वैल्यू क्या ले, 0 ले ले, y की वैल्यू 0, तो x क्या कहलाएगा, x इज इक्वल टू 2 × 0 - 2, तो 2 × 0 क्या 0 बचा, क्या -2। दूसरा वैल्यू क्या ले ले, क्या ले लो 1 ले ले, y की वैल्यू क्या ले ले 1, तो x क्या कहलाएगा 2 × 1 - 2 2 - 2 0। ठीक है, पहले इक्वेशन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग। 2x = 6 - y, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। y = 6 - 2x, ठीक है, 6 - 2x। क्या लिख सकते हो, क्या ले वन ले ले, x की वैल्यू ले लेते हम लोग 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 - 2, क्या कहलाया, x की जगह पर 2 ले लेते, x की जगह पर हम लोग 2 ले लेते, y क्या आ जाएगा 6 - 2 × 2 = 6 - 4, चलाया 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते, ग्राफ पर डाल देते, इसकी इक्वेशन में क्या करें हम लोग, ग्राफ पर डाल देते हैं। चलो देखते हैं ग्राफ पर डाल करके, मैक्सिमम वैल्यू कहां से दिया है, 2 तक 5 तक ले लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो देखो x का वैल्यू क्या ले, x का वैल्यू क्या ले -2, x की जगह पर हम लोग क्या लेते हैं -2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू क्या होगा 0 का मिलेगा, इसी लाइन पर मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, नीचे आएगा तो -1, -2, -3, तो पहला पॉइंट का मिला इसी लाइन पर, इसी पॉइंट पर मिल गया। x वैल्यू क्या ले 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, x वैल्यू 0 कितना होगा यहां पर होगा, x वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 1, यहां पर क्या मिला कोऑर्डिनेट -2, 0, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0, 1। अब इन दोनों पॉइंट को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो, सेकंड क्वेश्चन, x का वैल्यू 1, y = 4, x का वैल्यू 1, y = 4,
यहाँ देखो हम हाथ नहीं हटा रहे, इधर उधर नहीं करेगा सारे, वाई इक्वल टू फोर घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो प्लस फोर ऊपर आएगा ऐसे, तो कहाँ मिला पहला कोऑर्डिनेट, वन कॉमा फोर, एक्स इज इक्वल टू टू, तो वाई इज इक्वल टू भी क्या टू, एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू कहाँ टू, इसी पॉइंट पर आ जाएगा टू कॉमा टू, इस दोनों पॉइंट को लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, थ्री पर कहीं कटेगा, थ्री पर कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल खींचे थी, एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर दी, जिसमें हम लोग नाम डाल देते हैं, नाम क्या होता है भाई, उसको हम बोल देते हैं ए बी सी, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल यही बन रहा है, यही ट्राइंगल फॉर्म हुआ, इसी का एरिया निकालने बोल रहा है और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कौन कहाँ कटा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर कटा, एक पॉइंट यहाँ पर कटा, इन दोनों कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, हम जनरली सब कोऑर्डिनेट लिख देते, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो, बी का कोऑर्डिनेट टू कॉमा टू, सॉरी टू कॉमा टू पर नहीं कटा, ठीक है, ऐसा कुछ कटेगा ग्राफ पेपर में क्लियर दिखेगा, टू कॉमा टू पर, इसको अगर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर टू कॉमा टू पर लाइन ड्रॉ होते चला जाए, ठीक है ना, तो बी क्या हो जाएगा टू कॉमा टू, सी सी कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक्स का वैल्यू थ्री, वाई पर एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू जीरो, क्या हो जाएगा थ्री कॉमा जीरो। अब हम क्या निकाल रहा है, ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल क्या निकाल रहा है, एरिया निकाल रहा है, ठीक है ना, तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस, देखो ये क्या हुआ बेस हुआ, ये क्या हुआ बेस हुआ, तो बेस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो यहां से गिन लेना, एक यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव, यहां से नहीं समझ में आया तो यहां देखो माइनस टू में से माइनस थ्री को घटाओ कितना बचेगा माइनस फाइव, डिस्टेंस में निगेटिव नहीं होता इसलिए हम लोग क्या लगेगा फाइव, अगर इसको गिनने नहीं आ रहा हो यहां से गिन लो, वन एक यूनिट दो तीन चार पांच, क्या हो गया बेस, बेस हो गया फाइव, हाइट, हाइट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर, ड्रॉ करो और देखो ये हाइट का डिस्टेंस, हाइट कितना हुआ मैच करो, हाइट कितना हुआ जीरो से टू यूनिट, हाइट हमेशा वाई एक्सिस होगा, जब बेस एक्स एक्सिस हो गया तो हाइट क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ टू, तो हाइट कितना हो जाएगा टू, हाइट हो जाएगा टू, तो एरिया कितना हो जाएगा फाइव स्क्वायर यूनिट, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को वाई एक्सिस पर निकालना है, इसके बाद क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, एरिया निकालने बोल रहा है लेकिन वाई एक्सिस पर निकालने बोल रहा है, इसमें जो ट्राइंगल जो खींचेंगे हम लोग, तो ट्राइंगल देखो ये जो वाई एक्सिस ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है, अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो बेस ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस बोला तो बेस ये बना और ट्राइंगल ये बन गया, अगर वाई एक्सिस पे बोलता तो बेस ये हो जाता और ट्राइंगल ये फॉर्म हो जाता, क्लियर। तो अगर वाई एक्सिस पे बोलता तो हम लोग क्या होता बेस, बेस क्या बेस ये डिस्टेंस हो जाता और हाइट हम लोग क्या करते ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस यहां से मैच करवा देते, समझ में आ रहा है, दोनों चीज सेम होता है, अगर वाई एक्सिस पे बोलेगा तो वाई एक्सिस पे बेस लेंगे, अगर एक्स एक्सिस पे बोलेगा तो एक्स एक्सिस पर हम लोग बेस लेंगे, ठीक है ना, बेस ये लिए और हाइट हम लोग वाई एक्सिस पे लिए, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो बेस एक्स एक्सिस और हाइट वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे बोलेगा वाई एक्सिस पे बोलेगा तो बेस वाई एक्सिस और हाइट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, क्लियर। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक बन जाएगा, आज के लिए बस इतना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शो करेंगे कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये जो इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ग्राफिकली के थ्रू भी समझेंगे और हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, जो हम लोग यूनिट सॉल्यूशन में समझाए थे जब दो ग्राफ किसी एक पॉइंट पर कटता था, जैसे ये दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कटता तो हम लोग बोल देंगे तो यूनिट सॉल्यूशन, अगर शो करने बोलते हैं ये यूनिट सॉल्यूशन है तो हम लोग शो करके दिखा देते हैं कि ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर कटते हैं, ये यूनिट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ये पढ़ेंगे कि शो कर रहे हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इस तरह से हम लोग ग्राफ के लिए देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है।